मुल्क में 9 मई को दहशतगर्दी के होलनाक वाकयात हुए। पंजाब भर में 108 गाड़ियां जलाई गईं, 23 इमारतों और सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया गया। अब तक 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा जिना हाउस में हमला कोई सियासी वर्कर नहीं कर सकता, ये सियासी नहीं दहशतगर्दी का केस है। ये कोई छोटा मामला नहीं, केस को अंजाम तक पहुंचाएंगे, सब कुछ एक मंसूबा बंदी के तहत किया गया। निगरान वजीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं एसपी प्लाजे पर हमला भी मंसूबा बंदी के तहत किया गया। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे कोई रायत नहीं होगी, सारे टारगेट्स वो हैं जो तालिबान की हिट लिस्ट पर थे। हमारे पास हर बंदे की वीडियो मौजूद है, एक एक बंदे को पकड़ेंगे। यास्मीन राशिद तमाम वाकये की मरकजी किरदार है। तोड़फोड़ और जलाओ घेराव करने वालों के गिर्द घेरा तंग, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां महमूद रशीद गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर के सेक्रेटरी फैसल महर भी पकड़े गए। उधर रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीटी स्कैन रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार। डॉक्टर्स के मुताबिक चेस्ट इन्फेक्शन के बायस सांस की तकलीफ हुई। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद यास्मीन राशिद को दोबारा कोटलक पर मुंतकिल कर दिया गया। फौज और रेंजर्स का मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च, कैंट से शुरू होने वाला फ्लैग मार्च माल रोड, देवस चौक, शिमला पहाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचा। पाक फौज और रेंजर्स की 25 से ज्यादा गाड़ियों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। मजंग अड्डा चौक पे पाक फौज के हक में मुजाहरा, अहले इलाका और दीगर शोबा हाय जिंदगी से वाबस्ता फाकी बड़ी तादाद में शिरकत। शिरका के पाक फौज के हक में नारे, जलाओ घेराव में मुलविस मुलजिमान को करार वाकई सजा देने का मुतालिबा। शहर में गैस बहरान बरकरार, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी मुकर्रर औकात पर लोड मैनेजमेंट में नाकाम। मौसम गर्मा में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की शिकायत आम। गैस की बंदिश, कम प्रेशर से सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किल। सस्ता प्रोटीन गरीब आवाम की कुव्वतें खरीद से बाहर। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मजीद 7 रुपये महंगा, 624 रुपये किलो तक जा पहुंचा। फार्मी अंडे 2 रुपये इजाफे के बाद 290 रुपये दर्जन पर फरोख्त। सूफी टाउन का खराब सीवरेज सिस्टम, गंदा पानी जमा होने से गलियां जोहर का मंजर पेश करने लगी। अहले इलाका को आमदरफ्त में शदीद मुश्किल। आला हुकाम से दरीना मसला हल करने का मुतालबा। वहदत कॉलोनी और गुलशन रावी इतवार बाजार में सहूलियात का फुकदान। सार्फिन का अशय खुरनोश की ज़ायद कीमतों और नाकिस मैार का शिकवा। उधर वहदत कॉलोनी में तजावजात की भरमार, गैर कानूनी बाजार के बायस अहले इलाका को आमदोरफ्त में मुश्किल। बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर में फाइल्स के लेन देन पर टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ जेरे गौर। फाइलर्स नॉन फाइलर्स के लिए प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्स मैकेनिज्म की तैयारी। इकदाम का मकसद प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स की चोरी रोकना है। हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट के लेन देन पर एजेंट्स को रजिस्टर किया जाएगा। जिनसी मुजरमों के लिए कौमी रजिस्ट्री सर्विस का अजरा, शहरी किरायादार या मुलाजिम रखने से पहले जिनसी मुजरमों की शनाख्त कर पाएंगे। नादरा की जानिब से SMS सर्विस भी शुरू। शहरी शनाख्ती कार्ड नंबर 7000 पर SMS करके तस्दीक कर सकेंगे। लाहौर एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे को 20 रोज तक बंद करने का फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को हदायत जारी कर दी। सेकेंडरी रनवे 15 मई से 3 जून तक फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद रहेगा। रूडा का कमर्शियल फायर बे मंसूबा तरक्की की जानिब गामजन। मंसूबा ज्वाइंट वेंचर मॉडल के जरिए मुकम्मल होगा। मनसूबे की तकमील के लिए 1.5 साल की डेडलाइन मुकर्रर। LWMC की टीमें छुट्टी के रोज भी फील्ड में मुतहर्रिक। शहर को जीरो वेस्ट करने के लिए सफाई ऑपरेशन जारी। शहर की अहम शाहराओं पर मैकेनिकल स्वीपिंग और वाशिंग का अमल मुकम्मल। शहर में दफा 144 की खुलम खुला खिलाफ वर्जी जारी। गर्मी के सताए शहरियों की कसीर तादाद नहर पहुंच गई। जिला इंतजामिया और पुलिस नहर में नहाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन से गुरेजा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर शाहीन भट्ट की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में जलाओ घिराओ के वाकयात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। उसम-ए-जुनून लाहौर की जानिब से रैली की तैयारियां, सैफ अल मलूक खोखर की क्यादत में रैली ठोकर से इस्लामाबाद रवाना होगी। मोटरवे टोल प्लाजा पर पहला इस्तकबालिया कैंप लगाया जाएगा। सैफ अल मलूक खोखर ने कहा कि जिसने 60 अरब चोरी किए उसे कहा जाता है कि आपको देखकर खुशी हुई। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी राना मुबशर इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास, कारकुनों के मसाइल सुने, जल्द हल करवाने की यकीन दहानी। मियां इमरान जावेद, राना अरशद इकबाल, मलिक मस्कीन समेत दीगर मौजूद थे। भोगेवाल में MNA अली परवेज मलिक से PTI कारकुनान की मुलाकात, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। ख्वाजा इमरान नजीर चौधरी शहबाज भी मौजूद थे। आमिर रजा, पूरा मुगल, नदीम भट्ट, औरंगजेब कनोली, प्रिंस भट्ट समेत दीगर की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का मामला, सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल की क्यादत में काफिला इस्लामाबाद रवाना। चौधरी असलम गिल कहते हैं, इमरान खान ने मुल्की मईशत को तबाह किया, सरकारी तनसीबात पर हमलों की जितनी मुजम्मत की जाए कम है। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर के मॉडल बाजारों के दौरे, चाइना स्कीम और हरबंसपुरा में अशियाई खुरनोश की कीमतों का जायजा। सफाई के नाकिस इंतजाम पर मैनेजर चाइना स्कीम अहमद हाशमी को शोकाज नोटिस। वफाकी हुकूमत का आज़मीन हज के लिए बड़ा फैसला, कुर्बानी की रकम हज पैकेज में शामिल करने का ऐलान। आज़मीन हज को दौरान हज कुर्बानी के लिए 57,000 रुपये अदा नहीं करना पड़ेंगे। इससे कबल हज पैकेज में कुर्बानी की रकम शामिल नहीं की गई थी। जामिया नईमिया में आज़मीन हज के लिए तरबीती वर्कशॉप, वज़ारत मज़हबी अमूर के मुफ्ती मोहम्मद अहमद मदनी का लेक्चर, डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी समेत दीगर उलमाए कराम की शिरकत। आलूदगी का सबब बनने वाली यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन, DG महकमा तहफ़ुज़ माहौलियात का दरोगा वाला का दौरा, आलूदगी फैलाने पर 6 फैक्ट्री मालिकान को नोटिस। DHA एच ब्लॉक और मलहिका मार्केटों की ताजिर बरादरी का इजलास, चेयरमैन ताजिर इत्तेहाद ग्रुप कैंट मोहम्मद अबू बकर ने सदारत की। मार्केटों के अहदेदारों के नामों का ऐलान, आसिफ सुलहरी, वकार चौधरी, साकिब भट्ट, एहतिशाम कादरी, मुमताज भट्टी और अहमद रजा की शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम प्रो वाइस चांसलर UHS तैनात, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान प्रो वाइस चांसलर UET लाहौर मुकर्रर, मोहम्मद यूनस लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी के खजानची तैनात। गवर्नर पंजाब ने नई तैनातियों की मंजूरी दे दी। बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करने कमीशन, 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। 5 साल तक के 2,20,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। शिया उलमाए कौंसिल लाहौर के ज़ेर एहतमाम दुआया तकरीब, चौधरी निशान अली ने एहतमाम किया। जलाओ घिराओ में सिक्योरिटी इदारों के जख्मी जवानों की सेहत याबी के लिए दुआ, हाफिज काजिम नकवी, कासिम अली कासमी, चौधरी सगीर अब्बास समेत दीगर शरीक हुए। ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुम से है, ए मेरी माँ, मेरा सारा मुकाम तुम से है। खलूस, शफकत, प्यार और सब्र से सरशार अजीम हस्ती को सलाम। दुनिया आज मदर्स डे मना रही है, मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते की अजमत को उजागर करना है। इधर आफियत में मदर्स डे की मुनासबत से तकी PG सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक ने मुकीम खातिन के साथ दिन गुजारा। फ्लैटिस होटल में माँ के आलमी दिन पर तकरीब, GM अरशाद बी अंजुम ने अमले के हमरा केक काटा, फातिमा अदा, जवेरिया महक समेत दीगर की शिरकत। PCB सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट, लाहौर रीजन के 2 जोन्स के ट्रायल्स मुकम्मल। लाहौर ईस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रायल्स कल होंगे। हेड कोच जावेद हयात और आसिफ इशफाक निगरान हैं। ट्रायल्स के बाद 12-12 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 8 टीम्स बनेंगी।
और कौमी क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया, रवां वर्ष के इख्तिताम पर कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी। कौमी टीम 3 टेस्ट मैच खेलेगी, जबकि पहला टेस्ट 14 दिसंबर को पर्थ, दूसरा 26 दिसंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा, तीसरा टेस्ट 3 से 7 जनवरी सिडनी में होगा।